कहानी कुछ यूं है कि एक दरिया में तीन फिशेस रहती थी तीन मछलियां रहती थी अच्छा इन तीनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी जब भी कहीं आना जाना होता या दरिया की सैर करनी होती इधर उधर घूमना फिरना होता तो तीनों एक साथ घूमती थी एक साथ कहीं भी आती थी एक साथ जाती थी तो ये तीनों अमूमन एक साथ दरिया की क्या किया करती सैर किया करती थी आपने भी दरिया की सैर की है ना आपने किस में की है किश्ती में बैठकर की होगी ना हाँ लेकिन वो मछली कश्ती में नहीं बैठती थी लेकिन मछली तो बगैर बोट के घूम सकती है ना पानी में आप घूम सकते हो नहीं जी बिल्कुल हम ऐसे ही विदाउट अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो पानी में डाइव मुश्किल हो जाती है और गहरे पानी में तो और ज्यादा डिफिकल्ट दा हो जाती है तो अच्छा कहानी कुछ यूं है कि वो जो तीनों मछलियां थी ना आपस में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी अंडरस्टैंडिंग भी थी एक दूसरे की बातें भी मानती थी और एक साथ घूमना फिरना आना जाना दरिया की सैर ये इनका अंदाज़ था एक बार क्या हुआ कि ये तीनों दोस्त दरिया की सैर के लिए निकली कि अचानक से एक बहुत बड़ा जाल इन पर आकर गिरा अब जब जाल गिरा तो एक मछली ने अपनी दोनों दोस्तों से कहा कि जल्दी से दरिया की तह में चली जाओ आ जाओ मेरे साथ दौड़ो हम तीनों कहाँ चली जाती है दरिया की तह में तह में अगर हम अंदर चली जाएंगी तो अब शिकारी के जाल में हम नहीं फंस सकेंगी लेकिन वो जो तो दो मछलियाँ थी ना हुँ. वो कहने लगी नहीं nah, नहीं nah, कुछ नहीं होता क्या कहने लगी भाई कुछ नहीं होता कुछ होता। नहीं होता वो कहने लगी के नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता हम बच जाएंगी लेकिन वो जो मछली थी ना वो तो चली गई पानी की तह के अंदर और ये जो दो मछलियां थी जिन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता वो उस जाल के अंदर कैच हो गई फंस गई अब जो फंस गई तो बड़ी कोशिश की छुड़ाने की अपने आप को लेकिन जाहिर जाल तो बड़ा मजबूत होता है वो जाल से नहीं बच सकी एक मछली ने क्या टेक्निक ली कि उसने अपने आप को मुर्दा कर लिया मुर्दा समझते बिल्कुल साकिन हो गई साइलेंट ना हिलना ना जुलना और एक मछली हिलती जुलती रही अच्छा अब जब शिकारी ने वो जाल वापस निकाला दरिया से तो देखा कि एक मछली तो बिल्कुल मरी हुई है हिलजुल नहीं रही और दूसरी मछली उछल कूद कर रही है तो अब शिकारी ने पता है क्या किया वो जो मुर्दा मछली थी ना बजाय जो मुर्दा थी जो हिलती नहीं थी जुलती नहीं थी उसको पकड़ा और वापस दरिया में डाल दिया इसका मेरे पास क्या काम ये तो वैसे ही मरी हुई है और जो उछल कूद कर रही थी उसको पकड़ा उसका पेट काटा उसमें मसाले वसाले भरे खूब पकाया और पकाकर क्या कर दिया खा लिया।, खा लिया बड़ा मजा आया उसे लेकिन इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि एक जो मछली थी वो समझदार थी उसने एक अच्छी बात बताई थी कि पानी की तह में चले जाते हैं हम बच जाएंगे झाल से लेकिन दो मछलियों ने उसकी बात नहीं मानी नहीं मानी इसी तरीके से हमें भी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग समझाते हैं कि झूठ बोलना ये शैतान का जाल है किसी की गिबत करना ये शैतान का जाल है नमाज ना पढ़ना ये शैतान का जाल है अम्मी अबू की बात ना मानना ये शैतान का जाल है लेकिन बहुत सारे गंदे बच्चे बात को नहीं मानते नहीं मानते जो नहीं मानते वो शैतान के जाल के अंदर क्या हो जाते हैं कैद हो जाते हैं कैद हो जाते हैं फंस जाते हैं और जो कैद हो जाते हैं ना इन इनमें से भी दो कैटेगरी जैसे कि इन मछलियों के अंदर भी दो कैटेगरी थी कि जो अपने आप को फसाने के बाद उसे ये रियलाइज हो गया कि वाकई मुझसे गलती हो गई और मैंने गलत काम कर लिया है और वो शैतान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी ग़लती का एहसास करते हुए तोबा कर लेता है तो वो भी बच जाता है और जो नहीं मानता और उछल कूद जारी रखता है शैतान की बातों में आकर गुनाहों में मुबतला रहता है तो फिर बिल आखिर उसका ठिकाना क्या हो जाता है जहन्नम जहन्नम हो जाएगा तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी प्यारे आका सलासल्लाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारें नमाज की पाबंदी करें अपने माँ बाप का कहना माने बड़ों का अदब करें कुरान की तिलावत करें ए सुन्नतों से मोहब्बत करें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें इस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजरेगी अच्छा यूसुफ भाई इस कहानी से एक और बात सीखने को मिली कि जब वो जाल में फंस गई जब वो कैद हो गई तो उसने एक मछली ने समझदारी से काम लिया और दूसरी ने बेवकूफी से काम लिया तो जो समझदार मछली थी वो बच गई और जो बेवकूफ थी जो जाल में फंस गई थी वो फिर शिकारी के कैद में आ गई जी इसी तरीके से असल जो इस कहानी से सबक जो लेना है ना हमने वो यही लेना है कि बसा औकात इंसान इन, जो है वो शैतान की बातों में आकर शैतान के जाल में फंस जाता है अगर फंस भी जाए ना तो फिर उसको अपने आप को रियलाइज करना चाहिए कि वाकई मुझसे गलती हो गई है बसा औकात होता क्या है कि शैतान के जाल में फंसने के बावजूद भी इंसान जो है ना अपनी हट दर नहीं छोड़ता नमाज छोड़ना कोई बात नहीं देखी जाएगी है तो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए माँ बाप की नाफरमानी की किसी ने कहा कि यार आपने ये गलत काम किया किसी ने रियलाइज करवाया लेकिन वो अपनी हट दर नहीं छोड़ता तो जो हट दर नहीं छोड़ता वो फिर आग की नज़र हो जाता है जो वो आखिरी जो मछली थी वो हट दर उसने नहीं छोड़ी ना वो उछल कूदती रही अपनी मस्ती में मस्त रही तो बिल आखिर उसका अंजाम क्या हुआ शिकारी उसे खा लिया खा लिया तो हमें ऐसा अंदाज़ नहीं अपनाना चाहिए बल्कि हमें शैतान से बचकर शैतान के जाल से बचकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें शैतान से महफूज रखे और नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए आमीन